हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जहां कहीं भी होंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है फ्रेंड्स ये मैं अपने नए फार्मर भाई बहन के लिए लेकर आई हूँ जो लोग जो है फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं पर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है पूंजी बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है वो सोच रहे हैं कि हम फार्मिंग तो करना चाहते हैं पर इतना इन्वेस्ट हम कैसे करें हम फा फार्म कैसे बनाएं हम इतने सारे चूज़ों को कैसे मंगाएं उनका दाना कहाँ से लाएं बहुत सारी टेंशन होती है नए फार्मर के साथ तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है ये तो बहुत ही मतलब आम सी बात है कि सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है जब भी कोई नए फार्मर फार्म में जुड़ने की कोशिश करते हैं तो मैं आज आपको एक छोटा सा सिंपल सा सजेशन देना चाहती हूँ अपना जो है पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं अगर मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की बात समझ पा रही हूँ अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ भी समझा पा रही हूँ तो इस वीडियो को जो है आप लोग देखना एकदम पूरा सुनना तो देखिए करना आपको यह है कि आप जब शुरू में जुड़ रहे हो तो आपको ज़्यादा से स्टार्टिंग नहीं करनी है सबसे पहली बात यह है कि आपको कम से स्टार्टिंग करनी है आपको फार्म वगैरह बनाने की कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है फिर आप सोचोगे कि अगर हम फार्म नहीं बनाएंगे तो फिर हम कहाँ रखेंगे तो भाई कम से स्टार्टिंग मैं इसी कह रही हूँ कि कम से स्टार्टिंग करो ताकि आप कहीं से भी कर सकते हो आपके घर में अगर एक छोटा सा कमरा है जो कि अगर आप रह रहे हो उसके मतलब वो कमरा बिल्कुल खाली है मान के चलिए कितनों के घर में ऐसा होता है कि आ, पहले तो गाय बैल रहा करते थे पर अभी बहुतों के पास ये नहीं है तो फिर वो खाली पड़ा हुआ है तो अगर इस तरह का खाली अगर आपके पास एक भी छोटा सा भी कमरा है तो आप वहीं से स्टार्टिंग करें या फिर आप अपने घर के आंगन से स्टार्ट करें या फिर अपने घर के अगल बगल कहीं भी बगल में एक छोटा सा जो है आप बना लीजिए देखिए मेरे जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो प्लास्टिक का जो तार आता है जो जाल वाला मैं उनसे इसको कवर की हुई हूँ तो इस तरह का आप जो है ला सकते हो उसको चारों तरफ से घेर सकते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा बारिश से बचने के लिए आप कुछ भी चढ़ा दीजिए पुआल वगैरह कुछ भी देखिए फार्मर के घर में पुआल तो बहुत इजीली मिल जाता है तो पता ही होगा अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं आप प्लास्टिक वगैरह कुछ भी या फिर जो तार के जो पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े या फिर खजूर के पत्ते उनसे भी बनते हैं भाई बहुत अच्छा बनते हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करो और उस तरह का छोटा सा फार्म बनाओ और छोटे से स्तर से ही आप शुरुआत करो शुरू में आप सौ चूजे मंगाओ और आप अगर दाना नहीं देना चाहते हो तो आप घर का खाना दे दो भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको दाना लेने की आप अगर सौ चूजे से स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस काम में ही फंसे रहो आप दूसरा काम करो और उसको बस सुबह शाम देखते रहो कि उसको कब खाना देना है कब पानी देना है पानी आप प्रॉपर दो पानी खरीदना नहीं पड़ता है और पानी आपको खरीदा हुआ पानी देना भी नहीं है नहीं तो फिर आपका नुकसान ही होना है तो जो पानी आप लोग कुएं से तालाब से निकालते हो चापाकल से वही पानी इसको भी पिलाना है और साथ में जो बचा कुचा घर का जो खाना बच जाता है या फिर चावल गेहूँ बाजरा मकई ये सब जो भी होता है किसान के घर में बहुत सारी ये सब चीज़ें मिल जाती है तो अगर ये सब है तो आप उनसे भी इनका जो है पालन कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप इनको फ्री रेंज में पालना चाहते हैं तो आप इसको खुले एरिया में भी छोड़ सकते हैं आप इनको एक से दो सप्ताह तक घर में रखिए उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए इसको अपना घर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है ये जाते हैं चरते हैं फिर वापस से अपने घर में आ जाते हैं तो ऐसा मैं इसी कह रही हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्ट की पूंजी नहीं है तो आप कम से स्टार्ट कीजिए और इसको जो है आप अंडे के लिए पालिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको आप मीट के लिए पालिए इसको आप अंडे के लिए पालिए और अंडा का अगर मैं रेट कहूँ फ्रेंड्स तो देखिए जो बॉयलर वाला अंडा हम लोग खाते हैं हम लोग को मिलता है जो दुकानों में हमेशा हर जगह में वो आपको अवेलेबल होगा तो वो कम से कम तो अभी हमारे यहाँ तो सात से आठ रुपया में वही वाला बिक रहा है तो अगर उसका प्राइस कम भी होता है ना तब भी जैसे कि छः रुपया पाँच रुपया होता ही है तो उस हिसाब से अगर इसका प्राइस देखा जाए ना तो इसका आपको उसका डबल मिलता है तो जैसे कि वो अगर सात में बिक रहा है तो ये आपको चौदह रुपये में बिकेगा वो अगर फाइव में बिक रहा है तो ये आपको टेन रुपीज़ में बिकेगी तो इस तरह का जो है आपका सिलसिला चलेगा तो आप अगर सौ मुर्गी का, का जो है कोर्स करते हैं तो आपको मतलब उसको पाँच महीना तक फ्री रेंज में ही पाले तो अच्छा है तो अगर आप फ्री रेंज में पालती है तो आपका क्या जाता है बताइए कुछ भी नहीं जाता है बस उसको रहने के लिए थोड़ा सा आप जगह दे दो बाकी तो वो अपना पेट खुद ही पाल लेती है और जब वो अंडा देगी तब आप थोड़ा सा ध्यान देना उसको थोड़ा सा खाना वाना सही से देना ताकि वो ज़्यादा अंडा देगी इसमें आप ही का फायदा होगा और देखिए पर डे दे अगर सौ मुर्गी आपके पास है ना तो वो पर डे कम से कम हो तो सत्तर अंडे आपको दे ही जाएगी पर डे जब वो अंडे पर आ जाएगी तो तो आप सोच सकते हैं कि आप एक दिन में कितना इनकम कर सकते हो इस तरह धीरे धीरे आप अपनी जो है मुर्गियों का जो लेवल है उसको आप बड़ा कर सकते हो तो बड़ा करने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा मार्केट क्योंकि छोटा मोटा जैसे कि अगर पर डे का अंडा आपको सत्तर मिल रहे हैं तो सत्तर अंडे तो आपको सेल भी करना है ना अगर आप सेल नहीं करोगे तो फिर आप कैसे कमाओगे है ना तो इसीलिए आपको सेल भी करना है तो उसके लिए पकड़ना पड़ेगा आपको मार्केट जहाँ की बहुत सारा जो अंडे बिकते हैं या फिर मार्केट में जाके हर दुकानदार से बात करनी होगी कि आप कहाँ से ले रहे हैं तो आप उससे जो है एक दो रुपया कम में दे दीजिएगा तो वो आपसे जरूर लेंगे और ये देसी होगा तो बहुत ही इजीली ये बिक जाएंगे और ये गांव घर में भी बहुत अच्छा बिकता है आप देखिएगा कि जब भी ठंडा का मौसम आता है ना सब लोग ना मुर्गी का या फिर बत्ख का अंडा क्यों मुर्गी का मिलता नहीं है इस वजह से बतख का ले लेते हैं बाकी खोजते तो मुर्गी का ही है और दोनों ही ना मिले तब तो बॉयलर वाला ही लेना पड़ता है तो बस इसी तरह का सिलसिला चालू कीजिए आप शुरू से और फिर आप भी कमाइए इतना तो आप कमा ही सकते हो सौ मुर्गी से कि आप अपना घर परिवार अंडे बेच करके ही चला लोगे तो आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया है तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले तो इसी के साथ इस वीडियो का आज करती हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत